न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय युवान ट्रेडिंग कंपनी डिडवी डिक्कर हमीरपुर। सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें। नाहर शहर में नगर परिषद को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने शनिवार को वार्ड 2 में अपना कार्यालय खोल दिया है। कार्यालय का उद्घाटन कांग्रेस प्रदेश महासचिव व जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजय बहादुर ने संयुक्त रूप से किया। बता दें कि कांग्रेस ने नगर परिषद के चुनाव को लेकर अपने प्रत्याशी की घोषणा चुनाव की तिथि से एक महीने पहले ही घोषित कर दी थी, जिसको लेकर भाजपा ने भी अपने प्रत्याशी को तलाशना शुरू कर दिया। कार्यालय उद्घाटन के मौके पर कांग्रेस प्रदेश महासचिव अजय सोलंकी ने कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी इन नगर पालिका चुनाव में उतरने वाली है। सोलंकी ने कहा कि नगर पालिका पर आरोप लगाते हुए कि जब नाहन शहर में आम लोगों की आशियाने तोड़े जा रहे थे, तब भाजपा समर्थित पार्षद चुप्पी साधे हुए थे। अब उन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जाएगी और सारे वार्डो में जीत दर्ज करके अपना पूरा प्रयास करेगी। कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजय बहादुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पर पूर्व चुनावों में प्रत्याशियों की सूची घोषित करने के आरोप लगते रहे। जनता पार्टी के ही नेताओं द्वारा इसमें अड़ंगा अड़ाया गया, 1.5 साल तक उसमें कार्य नहीं होने दिया गया, केवल राइजिंग मैन जोड़ने का कार्य रह गया था, बाकी सारा कार्य जो है के चुनाव में जो मुख्य मुद्दे दो और रहने वाले हैं वो है नगर परिधि, नगर परिषद की परिधि में जो सड़कें आती है वो आप सभी शहरवासी वो देखते हैं सड़कों की क्या दुर्दशा है, और इनके पास कोई अच्छा कोई इंजीनियर आर्किटेक्ट और ना कोई प्लान था। इसी तरह से जो है चल नहीं सकता, कोई लेडी जा नहीं सकती, चल नहीं सकती, वो बंदरों से पशुओं से दिन रात। और तीसरा जो है जैसे अभी सोलंकी जी ने कहा पार्किंग मुख्य मुद्दा था, वो जो बात है क्योंकि कांग्रेस पार्टी पर अक्सर ये लांछन लगाया जाता था कि अपनी जो प्रत्याशी की जो लिस्ट है, चाहे वो MLA हो, MP हो, चाहे म्यूनिसिपल कमेटी हो, वो बहुत देर में निकालते हैं और BJP भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले निकाल देती है। मुझे खुशी है कि नाहन कांग्रेस ने हिमाचल में सबसे पहले जो कांग्रेस की कैंडिडेट थे उनकी सबकी लिस्ट सबसे पहले निकाली, बाकी जगह अभी तक लिस्टें फाइनल नहीं हुई है। आपकी बीजेपी की भी जो है यहाँ वो भी अभी तक फाइनल नहीं हुई है, हाँ नाम हवा में बेशक उछाले जा रहे हैं। और मुझे खुशी है कि इसी कार्यक्रम को देखते हुए आज वार्ड नंबर 2 में सबसे पहला जो कार्यालय खुला है वो जो कांग्रेस के ऑफिशियल प्रत्याशी हैं नरेंद्र जी, उन्होंने इसका श्रेय इनको जाता है। और मुझे लोगों से दरख्वास्त करनी है क्योंकि इनकी हार या जीत का फैसला आपके हाथों में है, आपके वार्ड के जो आम आदमी हैं उनके हाथ में है। तो मैं दरखास्त करूंगा कि जहां भी कांग्रेस प्रत्याशी हमारे खड़े हैं उनको आपके बहुत आशीर्वाद की जरूरत है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप किसी भी किस्म के झांसे में ना आकर किसी भी किस्म की जो बात अभी यहां सोलंकी जी ने और रुपेंद्र जी ने रखी है उसको समझते हुए आप कांग्रेस प्रत्याशी को यहां से अवश्य ही कामयाब करेंगे।